हाय गाइस, आज बात करने वाला हूँ यूरो कप का जो रिमेनिंग पार्ट है, सार मैच बसा है नॉकआउट स्टेजेस का, फिर क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल होगा। तो कौन टीम सेमीफाइनल पे जाके फाइनल पे जा सकता है और खिताब जीने की संभावना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आज प्रेडिक्शन कर लेते हैं या ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से ही रिक्वेस्ट थी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर बने रहिए और अंत में एक कमेंट कीजिए जो टीम आपके मन में है जो इस यूरो कप 2020 को जीत सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ आते हैं। हम नॉकआउट स्टेजेस में देखा कि 8 मैच हुआ, तो सार मैच हो गया, सार मैच बाकी है। वेल्स वर्सेज डेनमार्क, डेनमार्क जीता। इटली वर्सेज ऑस्ट्रिया, इटली जीता। नेदरलैंड्स वर्सेज चेक रिपब्लिक, कोई नहीं सोचा था कि चेक रिपब्लिक जीतेगा और नेदरलैंड्स हार गया। मतलब मेरा दो ही फेवरेट टीम है इस यूरो कप के, नेदरलैंड्स और पोर्टुगल। दोनों टीम लास्ट नाइट मतलब बाहर हो गया यूरो कप से, बेल्जियम से हारा। लेकिन मैं जानता था कि बेल्जियम जरूर जीतेगा, लेकिन ये सोच नहीं सकता था कि नेदरलैंड्स हारेगा चेक रिपब्लिक के साथ। देखिए प्रेडिक्शन स्टार्ट हुआ कि आज मैच है क्रोएशिया वर्सेज स्पेन, कौन जीत सकता है इस मैच में। मैं प्रेडिक्शन करूँगा कि क्रोएशिया जीतेगा, क्योंकि उसका जो अटैक का जो बहुत अच्छा है, पेरिसिच, मैंडुजिकिच, लुका मॉड्रिच, इवन राकिटिच, बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है, हम सभी प्लेयर को जानते हैं, अच्छे अच्छे क्लब में खिलाते हैं। तो क्रोएशिया शायद जीत सकेगा इस मैच को। फिर रात फ्रांस वर्सेज स्विट्जरलैंड, फ्रांस जीतेगा, जरूर जीतेगा फ्रांस। फिर जर्मनी वर्सेज द इंग्लैंड, ये एकमात्र मैच है जिस मैच के बावजूद मतलब सारी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं जर्मनी को पिक करूँ तो अभी अच्छा है, अगर इंग्लैंड को पिक करूँ तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने अब तक एक भी गोल मतलब खाया नहीं है, मतलब किसी को दिया नहीं है एक गोल। तो मैं इंग्लैंड की तरफ जाना चाहूँगा, इंग्लैंड विल विन दैट मैच। एंड द लास्ट मैच ऑफ राउंड ऑफ 16, स्वीडन अगेंस्ट द यूक्रेन, स्वीडन जीतेगा। फिर क्वार्टर फाइनल आएगी, क्वार्टर फाइनल का जो ये मैच बहुत बड़े बड़े मैच होने वाला है, कि पहला मैच होगा फ्रांस वर्सेज क्रोएशिया। ये मैच क्या होने वाला है कि 2018 का जो फाइनल था फ्रांस अगेंस्ट क्रोएशिया, वही होने वाला है और मैं फ्रांस की तरफ जाना चाहूँगा, फ्रांस शायद जीत जाएगा इस मैच को। फिर इटली वर्सेज द बेल्जियम, इसको पिक करो यार, बेल्जियम नंबर एक का रैंकिंग का टीम है और इटली भी बहुत शानदार तरीके से खेल दिखा रहे है, पर आई एम गोइंग विथ इटली, इटली शायद जीत जाएगा इस मैच को। फिर चेक रिपब्लिक वर्सेज डेनमार्क, इसमें ये भी एक बड़ी मैच होगा, क्योंकि डेनमार्क शानदार फॉर्म में चल रही है, चेक रिपब्लिक ने नेदरलैंड्स को हरा कर जाएगा, तो लेकिन आई एम गोइंग विथ डेनमार्क यार। फिर इंग्लैंड वर्सेज स्वीडन, इंग्लैंड जीतेगा। तो सेमीफाइनल पर कौन कौन आ गया है, फ्रांस, इटली, डेनमार्क एंड इंग्लैंड। पहला मैच होगा फ्रांस वर्सेज इटली, इस मैच में कौन जीतेगा, फ्रांस जीतेगा या इटली जीतेगा यार। इटली का डिफेंस बहुत अच्छा है, तो मैं इटली को पिक करूँगा कि इटली विल टू फाइनल दिस ईयर, बहुत अच्छा शानदार शानदार खेल दिखा रहा है इटली ने। फिर डेनमार्क वर्सेज द इंग्लैंड, ये सबसे बड़ा मैच होगा, इंग्लैंड जीतेगा शायद ना, इटली अगेंस्ट द इंग्लैंड विल बी फाइनल दिस ईयर। आप लोग कमेंट में बताइए कि इटली और इंग्लैंड का अगर फाइनल होगा तो जीतेगा कौन, जीतेगा मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता नहीं सकता। एक ऐसा मैच होगा जहाँ पर दोनों टीम का डिफेंस अच्छा है। अच्छा एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस टीम का डिफेंस अच्छा होता है ना, वही टीम चैंपियन होता है। हम 2010 में देखा, 2014 में देखा कि शानदार शानदार डिफेंस कर रहा था स्पेन और जर्मनी ने, फिर वही टीम ने मतलब चैंपियन हो गया। खेल जीतने से कोई चैंपियन नहीं होता, चैंपियन होने के लिए यही सही है कि आप डिफेंस कैसा है आपका, आप किसी टीम को गोल करवा नहीं रहा है ना, तो वही टीम चैंपियन हो सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर इटली और इंग्लैंड का अगर फाइनल होगा तो जीतेगा कौन, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।